दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत बहुसांस्कृतिक अनुभवों का स्वरूप है। समृद्ध विरासत और असंख्य आकर्षणों के साथ देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हेलो दोस्तों, मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज मैं आ गया हूं दीव और यहां पे हमने होटल ले लिया है। ये होटल है हमारा और इस होटल के कमरे में आपको दिखाऊंगा। ये होटल काफ़ी अच्छा होटल है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये होटल। तो आप जब भी आप आए दीव तो यहाँ पे होटल ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है होटल यहाँ पे, बट सीज़न में अगर ज़्यादा। तो गाइज हम लोग निकल रहे हैं होटल से अब घूमने के लिए और यहाँ से निकलेंगे। स्कूटी हमारी आ गई है। स्कूटी भाई प्रभात, स्कूटी हमारी आ गई है। स्कूटी से जाएंगे हम लोग और ये दूसरे हमारी स्कूटी आ गई है, स्कूटी एक्टिवा। सो गाइस, ये दीव का माल रोड का जो मेन मार्केट है, दीव मेन मार्केट, उसके जो फ्रंट का ये व्यू है। तो हम बात करेंगे दीव के बारे में। तो दीव भारत के दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में दीव जिले का एक शहर है और दीव जिला भारत का 10वां सबसे कम आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट। हम लोग अब निकल चुके हैं दीव बीच में। ये हमारा दोस्त है प्रभात, हाय कर दो भाई। हाँ भाई। और यहाँ से स्कूटी ले लिया हम लोगों ने। स्कूटी यहाँ पे, स्कूटी के बारे में बताया तो हमें स्कूटी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। स्कूटी इतना मुश्किल से मिल रहा है यहाँ पे। तो कभी भी आए, कोई भी आए यहाँ पे दीव में, तो सबसे पहले स्कूटी का अरेंजमेंट कर ले, उसके बाद कोई अरेंजमेंट करे तो स्कूटी। सो गाइज, स्कूटी की प्राइस बता दूं मैं। यहाँ पे स्कूटी जो है आपका 500 रुपीज़ तक है और 300 में भी मिल जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा क्राउड होता है तो 500 लेते हैं लोग। और ये 7 to 7 यानी 12 आवर्स के लिए ये लोग देते हैं। सो गाइज, यहाँ की सड़कें काफ़ी क्लीन हैं और काफ़ी सुंदर दिखती हैं। और ये दीव का सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पूरी सिटी काफ़ी क्लीन है और बहुत ही अच्छी दिखती है। सो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं दीव के सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन फुदम चर्च पे। और ये बिल्डिंग काफ़ी ओल्ड है और इस बिल्डिंग को अब क्लोज कर दिया गया है। इस चर्च को यूज में नहीं लिया जा रहा है और यहाँ पे कोई नहीं आता। सो यहाँ पे केवल टूरिस्ट बाहर से ही देख के और चले जाते हैं। दीव का नेक्स्ट डेस्टिनेशन फुदम पार्क। सो ये जो पार्क है दीव के ईस्टर्न पार्ट मीन्स पूर्वी भाग में लोकेटेड है, जो काफ़ी क्वाइट एंड पीसफुल है, जो मेनली दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे काफ़ी दलदली क्षेत्र है और यहाँ पे पक्षियों के कई सारी प्रजातियाँ जो हैं रहती हैं और इस एरिया को अट्रैक्ट भी करती हैं काफ़ी पक्षियों को। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी टावर भी है जो इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे लोग उस टावर पे जाके और लोग पूरे क्षेत्र को और पूरी सेंचुरी को वाटर यहाँ पे जो एरिया है, तालाब है, उसको देख सकें। तो ये बहुत अच्छा प्लेस है फुदम पार्क और चिल करने के लिए मस्त प्लेस है ये। यहाँ पे आने के लिए जब भी आप आए यहाँ पे दीव में, यहाँ पे चिल कर सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो बेस्ट प्लेस है ये। और एक और चीज़ है यहाँ के बारे में, जो यहाँ पे मैनग्रोव झाड़ियाँ हैं जो मछलियों के ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। तो यहाँ पे मैं कुछ रिसर्च किया था तो यहाँ पे ये था। और यहाँ कुछ बर्ड्स हैं जो इस सेंचुरी में देख सकते हैं आप लोग, लाइक एशियन पाम स्विफ्ट है और ब्लैक विंग स्विफ्ट है, कैटल एग्रेट है और क्लैमरस
रीड है, वार्बलर, कॉम डक है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, ग्रे प्लोवर है, हाउस क्रो है, इंडियन कार्मोरेंट है, पेडिफिल पिपिट है, पॉइंटेड स्टॉक, पर्पल सनबर्ड, रेड नेकेड फ्लारोप है, रेड वेंटेड बबल है, रेड वेटल ल्यूपी लैपिंग है, सेंड्रलिंग है, स्ट्रेट हेरोन है। सेंचुरी के जो फ्लेमिंगो हैं वो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। सो नाउ गाइस, हम जा रहे हैं अब डायनासोर पार्क। डायनासोर पार्क यहाँ का काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे ये जो गेट है डायनासोर पार्क का, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। और इस पार्क के बारे में अगर बात करें तो पार्क काफ़ी अच्छा है, बीच के जस्ट आप बिसाइड्स है, तो आप बीच और पार्क दोनों का मज़ा ले सकते हैं। तो शायद अगर बच्चे हैं तो पार्क में खेल सकते हैं, और जो बड़े हैं वो बीच पे अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पार्क की नज़ारा है, बीच और बीच के किनारे होने से काफ़ी अच्छा दिखता है। तो अब हम पहुंच रहे हैं डायनासोर पार्क। सो यहाँ पे पार्किंग का भी स्पेस है, ये साइड ये पार्किंग का स्पेस है, यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं आप। और पार्किंग के बाद आप यहाँ पे ये बीचेस हैं, कुछ यहाँ पे शॉप्स भी हैं, कुछ खाना पीना हो तो आप यहाँ पे खा भी सकते हैं। और एक यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है, तो मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। और ये रहा बीच आपका, विशाल बीच, और ये काफ़ी अच्छा दिखता है बीच। आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह भी काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो ये जस्ट लाइक आप मिनी गोवा बोल सकते हैं इसको। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, इस प्लेस है ये। ये प्लेस है गुजरात से सटा हुआ है, तो यहाँ पे गुजरात के कपल्स काफ़ी आते हैं वैकेशन से इंजॉय करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे कपल्स हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कपल्स ज़्यादा आते हैं, और फैमिली भी आती है, फैमिलीज़ भी आती हैं इंजॉय करने के लिए। तो ये फैमिलीज़ के लिए भी बेस्ट प्लेस है वैकेशन के लिए। सो गाइज, ये गंगेश्वर टेम्पल, ये जो यहाँ पे एंट्री गेट है, और हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ से गंगेश्वर टेम्पल के लिए। अरब सागर पे स्थित ये मंदिर का व्यू बहुत ही यूनिक है, और ये मंदिर बेसिकली एक केव टेम्पल है। बेसिकली जो समुद्र के किनारे चट्टानों के बीच में है, और एक बार टूरिस्ट गुफा के अंदर एंटर करने के बाद वहाँ पे भगवान गणेश, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन हो सकते हैं। तो समुद्र के पानी के बीच में विभिन्न आकारों में 5 शिवलिंग दिखाई दे सकते हैं। और यह मंदिर की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, और चट्टान के ऊपर शिवलिंग शेषनाथ है। शिवलिंग की तलाश के लिए नक्काशी भी की गई है, और यह शिवलिंग जनरली हाई टाइड के टाइम में समुद्र में डूबे रहते हैं, और केवल लो टाइड में ही दिखाई देने का मौका मिलता है। सी के किनारे होने के कारण इस मंदिर को समुद्र तट मंदिर भी कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ से।
सो नाउ दीव का नेक्स्ट डेस्टिनेशन दीव फोर्ट। सो दीव फोर्ट आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे एक दीव फोर्ट के बाहर एक छोटा सा मार्केट भी है। यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, एक लोकल मार्केट है, लाइक आप जो शॉपिंग करने के लिए छोटे छोटे मतलब कपड़े कर सकते हैं, और भी सो गाइज ये दीव जेल है। दीव जेल यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। इस जेल के बारे में हम बताएं, ये अब ASF द्वारा संरक्षित मोनूमेंट है, घोषित कर दिया गया है, और ये पुर्तगाली शासन के दौरान सन 1946 और 61 में यह स्ट्रक्चर सेंट्रल जेल थी, जिसे गोवा में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। सो दोस्तों, हम इस फोर्ट की हिस्ट्री की बात करें तो दीव में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पुर्तगाली निर्मित किला है ये। इस फोर्ट को 16वीं शताब्दी के दौरान दीव द्वीप के पूर्वी सिरे पे पुर्तगाली भारत के रक्षात्मक किलेबंदी के हिस्से के रूप में बनाया गया था, और ये फोर्ट जो दीव सिटी की बॉर्डर पे है। तो ये फोर्ट जो है 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए रक्षा गठबंधन के बाद ये बनाया गया था, और जब हुमायूं मुगल सम्राट ने भी इस क्षेत्र पर कब्जा करने की प्रयास किया था, इसे 1546 तक के वर्षों में मजबूत किया गया था, और 1537 से दिसंबर 1961 के भारतीय आक्रमण तक पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर शासन किया, और आज यह द्वीप का एक मील का पत्थर है, और ये दुनिया में पुर्तगाली ओरिजिन के 7 वंडर्स में से एक है। ये फोर्ट के अंदर का व्यू है, काफ़ी ओल्ड फोर्ट है ये। सो इसके बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। ये दीव का किला का हिस्ट्री है, सारी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। सो हिस्ट्री बात करें दीव की, हम दीव का प्रायद्वीप जो है सौराष्ट्र जलमंडल के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है, और इसके दक्षिण पूर्व छोर पे पुर्तगालियों के द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया था, और इसे सन 1535 में इस किले के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो दीव द्वीप के तट पर एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है ये, और समुद्र के व्यू बहुत अच्छा व्यू को पेश करता है। तो यह समुद्र के एक तीन तरफ से घेरता है, तो और फोर्ट के आउटर वॉल समुद्र के कोस्ट लाइन से बनाया गया है। तो आउटर वॉल और इनर वॉल के बीच में एक डबल खाई भी है यहाँ पे, और जो कि फोर्ट को काफ़ी सेफ्टी देता है।
और फोर्ट को फोर्ट से अलग करने वाली खाई को बलुआ पत्थर की चट्टानों से काटा गया है और फोर्ट में 3 एंट्री गेट हैं। फोर्ट के अंदर का ये बिल्डिंग की व्यूज़ है और इस बिल्डिंग में ये आप देख सकते हैं काफ़ी ओल्ड है ये, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सुरंग भी है। यहाँ पे ये सुरंग यहाँ से मे भी हो सकता है उस टाइम पे सुरंग का यूज़ करते थे लोग, तो एक सुरंग भी है यहाँ पे। सो गाइज, हम जा रहे हैं फोर्ट के दूसरे साइड पे, और ये हिस्सा ऐसा है जो टोटली आउटर वाला हिस्सा है। यहाँ से आप समुद्र एकदम ऊपर से देख सकते हैं इसका व्यू, और यहाँ पे बहुत सारे तोप वगैरह भी लगा रखे गए हैं जो सेफ्टी के लिए। यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं और इस व्यू के साथ फोटोग्राफी करते हैं, जैसे लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग काफ़ी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है इस पूरे समुद्र का। तो यही व्यू दीव को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाता है। यहाँ से आप पानी की देख सकते हैं, पानी की लहरें कैसे आ रही हैं और इस दीवार से टकरा रही है इस किले को। सो गाइस, फोर्ट के अंदर एक चर्च भी है, छोटा सा ही चर्च है। इस चर्च का ये एंट्री है, और इस चर्च का नाम आपका जो है सेंटियागो है, सेंटियागो चर्च है। और यहाँ पे काफ़ी छोटा चर्च है, ज़्यादा बड़ा चर्च नहीं है ये। अब ये देख सकते हैं आप। और ये शस्त्रागार है, आर्मर हाउस। यहाँ पे पुराने जो किले के जितने भी जो तोप वगैरह थे वो सब रखे हुए हैं, अभी भी हैं और पहले रखे जाते थे, तो अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं ये तोप्स, और इनकी मोनूमेंट्स अभी भी ऐसे रखी गई हैं कि लोग आएंगे और देखेंगे टूरिस्ट। सो अब हम आ चुके हैं सेंट पॉल चर्च, जो दीव का काफ़ी बड़ा चर्च है, सेंट पॉल चर्च। और ये सेंट पॉल चर्च का आउटर का हिस्सा है, काफ़ी अच्छा प्लेस है, पार्क वार्क सब बनाया गया है इस चर्च के आसपास। तो आप जब भी आएँ इस चर्च पे आप इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो नाउ गाइस, हम सेंट पॉल चर्च आ गए हैं और आज के डे का ये फाइनल डेस्टिनेशन है। शाम होने वाली है और हम आज
इस चर्च को देखने के बाद होटल जाएंगे। सो ये चर्च काफ़ी अच्छा है, ये दीव का सबसे बड़ा चर्च है, सेंट पॉल चर्च, और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। इस ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है इसकी, बट अभी भी बहुत ही मेंटेन की गई हुई है, और यहाँ पे भी लोग फोटोग्राफी करते हैं, और आसपास यहाँ पे गार्डन वार्डन काफ़ी अच्छा बनाया गया है। सो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही था। नेक्स्ट ब्लॉग में हम दीव की और भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस पे गए थे वो दिखाएंगे। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। थैंक यू।